हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो अभी रिसेंटली इंडिया में ऑक्सीजन क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो इस लेक्चर में हम ऑक्सीजन क्राइसिस के पीछे क्या रीजंस हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है, या फिर जिसको हम LMO यानी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बोलते हैं, उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है किसी भी ऑक्सीजन को प्योर ऑक्सीजन या फिर जो LMO यानी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसके रूप में बनाने में। तो यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है कि इसमें दो तरीके के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है प्री हीटिंग का, जो कि यहाँ तक का प्रोसेस होता है। इसमें जो हमारी नॉर्मल एयर होती है, जो एटमोसफेयर में एयर होती है, जिसमें कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और अदर गैसेज जो है वो 1% होती है, जैसे आर्गन वगैरह टाइप की जो गैसेज हैं वो सब भी इसमें इंक्लूडेड होती है। और यहाँ पे जो सेकेंड प्रोसेस है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो बाकी और गैसेस ऑक्सीजन के साथ में, उन सबको यहाँ पे सेपरेट किया जाता है, जिससे कि हाई प्योरिटी की 99.5% की जो ऑक्सीजन है उसको प्रोड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंप्रेसर कूलर है, इनकी हेल्प से जो नॉर्मल एयर होती है उसको कंप्रेस किया जाता है अप टू 94 PSI, या फिर हम इसको पास्कल में देखें तो 650 K पास्कल, इस रेंज में इसको कंप्रेस किया जाता है कई सारे स्टेजेस के थ्रू। जब यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है तो उसके बाद में जैसे ये मॉलिक्यूलर सीव जो लगी हैं, जो कि यहाँ पे पैरेलल में दो लगी गई हैं, इन दोनों से होता क्या है कि जैसे जो भी मतलब बड़े बड़े इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, या फिर हैवियर जो हाइड्रोकार्बन हो गए, या फिर वाटर वेपर की जो ड्रॉपलेट्स हैं, उन सबको यहाँ पे नॉर्मल जो हमारी एयर है उससे रिमूव किया जाता है इन मॉलिक्यूलर सीव की हेल्प से। और जब यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारी नॉर्मल एयर है उसका प्री ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको दो प्रोसेस में स्प्लिट किया जाता है। पहला प्रोसेस जो है वो यहाँ से होता हुआ कुछ इस तरीके से, जो हमारा ये मेन कॉलम है जिसमें कि ऑक्सीजन, जो हाई प्योरिटी की ऑक्सीजन है वो कंटेन होती है, उसमें पहुंच जाता है। और दूसरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलता हुआ फिर इसमें जाता है। तो पहले प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारी एयर आती है उसको कंप्रेसर कूलर की हेल्प से यहाँ पे उसका जो प्रेशर है उसको बूस्ट किया जाता है, जिससे कि फिर बाद में उसको कूल किया जा सके और उसका जो एक्सपेंशन है उसको अलाउ किया जा सके, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके आसपास में। और जब इसको कूल किया जाता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है, फिर डायरेक्टली इसको इस कॉलम में भेज दिया जाता है। और इसमें भेजने का मेन रीजन ये होता है, ये जो कॉलम है इसका जो टेम्परेचर है वो काफी लो तक इस जो ऑक्सीजन या फिर जो एयर भेजी गई है उसकी हेल्प से मेंटेन होता है। और उसके बाद में जो बाकी प्रोसेस होता है वो होता है हमारा मेन प्रोसेस, जिसके थ्रू यहाँ पे जो बाकी गैसेज है उनको सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये लगे हैं, ये बेसिकली दो कॉलम्स जो लगे हैं जिनको कि हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, तो इनकी हेल्प से यहाँ पे जो हमारी एयर स्ट्रीम जो होती है वो इसकी हेल्प से पास होती है। जब ये इससे पास होती है तो यहाँ पे जो एयर स्ट्रीम होती है वो काफी ज्यादा कूल हो जाती है, और जब ये काफी ज्यादा कूल हो जाती है तो इसका एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। और जब ये एक्सपेंशन स्टार्ट होता है एयर का, तो टेम्परेचर जो एयर का है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है, और एक ऐसे पॉइंट पे हो जाता है कि जहां पे ऑक्सीजन जो है वो लिक्विफाई, लिक्विड स्टेज में जाने की कोशिश करती है, जहां पे, और यहाँ पे ये जो ये हमारा हाई प्रेशर फंक्शनिंग कॉलम है इसके अंदर ये पहुंचने लगती है। अब यहाँ पे जो हमारी एयर स्ट्रीम है उसमें आधी तो जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड है, आधी गैस है। तो इस तरीके से ये जो हमारा हाई प्रेशर फंक्शनिंग कॉलम है इसके अंदर ये पहुंच जाती है, और जब यहाँ पे पहुंच जाती है तो जो लिक्विड वाली है वो नीचे रहेगी और गैसियस वाली है जो वो ऊपर रहेगी। और इस वजह से ही जो नाइट्रोजन या फिर आर्गन वगैरह जो है वो ऊपर रहती हैं, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में रहती हैं और वो ऊपर यहाँ पे रहती हैं। अब ये जो ऊपर रहती हैं इन सबको वापस से सब कूलर की हेल्प से कूल किया जाता है, और कूल करने के बाद में वापस से इनको हमारा जो कॉलम है इसमें भेज दिया जाता है। नाइट्रोजन और ऑर्गन टाइप की जो गैसेस होती है, मतलब कि जो गैसियस स्टेट की गैसेस होती है, उन सबको यहाँ पे भेज दिया जाता है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन होती है जो लिक्विड स्टेज में हमारे नीचे होती है उसको भी यहाँ पे सब कूलर की हेल्प से कूल किया जाता है, और उसको वापस से फिर जो हमारा मेन कॉलम है इसमें भेज दिया जाता है। अब इसमें भेजने का इन सब का रीजन यहाँ पे ये है कि ये जो कॉलम है इसका टेम्परेचर पहले से ही काफी लो मेंटेन कर दिया गया है, ये जो गैस यहाँ पे भेजी गई थी इसकी हेल्प से। और यहाँ पे जब इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा लो है तो जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो इसके बॉटम में चली जाएगी, और जो मतलब गैस की स्टेज में जो गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया या आर्गन जो हो गया, वो सब गैसेस जो है इसके अपर मोस्ट पार्ट में
रहती हैं, और जब ये अपर मोस्ट पार्ट में रहती है तो वापस से फिर इसको यहाँ से ओपन करके जो हमारी ऑक्सीजन होती है लिक्विफाइड स्टेज की, उसको वापस से कलेक्ट कर लिया जाता है। और जो ऑक्सीजन का अलावा जो आर्गन होता है वो बेसिकली यहाँ पे उसका एक रोल होता है कि वो इस स्टेज तक जो हमारे कॉलम है इसका 2/3 स्टेज के नीचे वो नहीं आ सकता है। इस वजह से ही यहाँ पे एक यहाँ तक मेनली वो आ पाता है, इस वजह से यहाँ पे एक और कॉलम लगाया जाता है जिससे कि जो हमारा आर्गन है उसको अलग सेपरेट किया जा सके, और यहाँ पे जो हमारी प्योर ऑक्सीजन है उसको कुछ इस तरीके से निकाल लिया जाता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो प्योरिटी होती है वो 99.5% की प्योरिटी होती है, और अगर इसको और ज्यादा प्योर हमें मतलब प्रोड्यूस करना है तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे एक दो कॉलम और लगाए जाते हैं जिससे कि जो बाकी गैसेस हैं उनको भी और ज्यादा अमाउंट में सेपरेट किया जा सके, और जो हमारी ऑक्सीजन है उसको काफी ज्यादा प्योर मात्रा में यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सके। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी ऑक्सीजन होती है या फिर जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, और इस प्रोसेस की हेल्प से ही इंडिया के द्वारा डेली बेसिस पे कम से कम 1700 मेट्रिक टन की जो ऑक्सीजन है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन के क्राइसिस की सिचुएशन बढ़ने लगी तो यहाँ पे जो इंडिया का प्रोडक्शन था वो भी बढ़ के 8922 मैट्रिक टन हो गया, जिसमें कि 7017 मैट्रिक टन की डेली बेसिस पे सेल भी हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल 2021 के एंड तक जो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ऑक्सीजन का, वो 9000 मेट्रिक टन से पार होने वाला है। बट अभी इंडिया के द्वारा जो करंट नीड है LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन या फिर जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा शॉर्टेज है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश वाले जो रीजन है यहाँ पे काफी ज्यादा शॉर्टेज है। अब इसके पीछे भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन के प्लांट है वो ज्यादातर इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहीं पे ही लोकेटेड है, जिसकी वजह से जैसे महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, दिल्ली वाला एरिया हो गया, राजस्थान वाला जो एरिया है वहां पे जब भी इन प्लांट से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उसमें 6 से 7 दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे दूसरा रीजन ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि इंडिया में अभी टोटल 1224 जो टैंकर हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप के जो ऑक्सीजन के टैंकर होते हैं वो टोटल 1224 है, जिनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 16732 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है, जो कि काफी ज्यादा कम है क्योंकि COVID-19 की वजह से अभी काफी ज्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ी है ऑक्सीजन की और ये इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। और उसके अलावा एक रीजन हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं जो कि एक क्रायोजेनिक टैंकर्स है जो बेसिकली स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, इसमें जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है उसको -180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कंप्रेस्ड पोजीशन में रखा जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन को एक लिक्विड पोजीशन में रखा जा सके। अब यहाँ पे कंपनीज जो है उन सबके द्वारा जो ये क्रायोजेनिक टैंकर्स है इन सबको नहीं खरीदा जा रहा है, क्योंकि एक जो क्रायोजेनिक टैंकर होता है उसकी जो कॉस्ट होती है अराउंड 50 लाख होती है। अब यहाँ पे जो COVID-19 की जो सेकंड वेव से इंडिया को हिट किया गया है तो इस टाइप की जो सिचुएशन है ये एक बार आ रही है, अब धीरे धीरे ये कम हो जाएगी, तो इस वजह से कंपनीज को लगता है कि ये जो क्रायोजेनिक टैंकर्स है इनमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ये बाद में वेस्ट हो जाएगा, इस वजह से उनके द्वारा जो बाकी क्रायोजेनिक टैंकर्स है उनको खरीदा नहीं जा रहा है। एक रीजन यहाँ पे ये भी हो सकता है जो इरेशनल यूज होता है कभी कभी, या फिर कभी कभी जो ऑक्सीजन उसकी लीकेज की सिचुएशन हो जाती है, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री उसके द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा जो वेस्ट किया जाता है ऑक्सीजन को या फिर अननेसेसरी जो ऑक्सीजन है उसका यूज हॉस्पिटल में किया जाता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, जैसे कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की एक ट्रेन चलाई गई थी जिससे कि जो LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं या फिर जो टैंकर्स हैं उनको एक कंट्री के पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाया जा सके। और दूसरा यहाँ पे एक है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके द्वारा भी रिसेंटली इस एक्ट को इन्वोक किया गया, जिससे कि जो इंटर स्टेट की जो मूवमेंट है ऑक्सीजन की, जिसमें कि किसी भी व्हीकल में जो ऑक्सीजन जाती है उसको फ्रीली इंटर स्टेट में मूव किया जा सके, इसको अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसके द्वारा इन्वोक किया गया। और उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे जो ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं उन सबको रीस्टार्ट करने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे कि LMO की जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सके। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं स्टेरलाइट का जो प्लांट है जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है,
उसको अगले 4 महीने के लिए वापस से रीओपन किया गया, जिससे कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको प्रोवाइड कराया जा सके। उसके अलावा जो हमारी फोर्सेज है, इंडियन एयरफोर्स जो है, उसके द्वारा भी यहाँ पे जो ऑक्सीजन टैंकर्स है उन सबको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जिससे कि जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है उसको फुलफिल किया जा सके। और कई सारी जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उन सबके द्वारा भी कुछ हेल्प प्रोवाइड कराने की अनाउंसमेंट्स रिसेंटली की गई है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिया में जो ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहा है उसको टैकल करने की प्रोसेस चल रहा है। यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया में जो ऑक्सीजन क्राइसिस की सिचुएशन हो रही है उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।